टू चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी की स्टेट को एक से दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। प्लेस सम आइस क्यूब्स इन अ ट्रे, कुछ आइस के टुकड़ों को ट्रे में रखो। एंड प्लेस द ट्रे इन ओपन, हवा में खुला छोड़ दो। आइस विल मेल्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बर्फ पिघल जाएगी। एंड चेंज इन टू वाटर, जैसे ये आइस छोड़ दी कुछ देर बाद आइस क्या बन जाएगा, पानी। हीट सम वाटर इन टू कैटल, ये कैटली में कुछ पानी गर्म करो। द लिक्विड वाटर चेंजेज इन टू स्टीम, लिक्विड वाटर में से वेपर निकलने पर लगेगी, हिंदी में भाप कहते हैं। होल्ड अ स्टील टम्बलर अगेंस्ट द स्टीम कमिंग आउट स्पाउट ऑफ द कैटल, कैटल का ये जो मुँह होता है ना ऐसे, इसे स्पाउट कहते हैं। यहाँ पे एक ग्लास रख लो, टम्बलर, स्टील का ग्लास मतलब टम्बलर, तो इससे स्टीम ऐसे टकराएगी, कुछ देर बाद यहाँ पे पानी की ड्रॉप दिखाई देंगी, वापस से बन जाएगा। जैसे अगर आप लोग अपना खाना ना गरम पराठा लंच बॉक्स में रखते हैं पेपर में रैप करके, जब खोलते हैं तो पेपर पे पानी आ जाता है, तो वही कह रहा है कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बी सीन ऑन द टम्बलर, ग्लास पे कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी। टेक सम वाटर इन अ आइस ट्रे, आइस ट्रे में कुछ पानी लो। प्लेस इट इन द फ्रीजर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर, अपने घर के फ्रिज में रख दो। टेक द ट्रे आउट, ट्रे बाहर निकालो। फ्रॉम द फ्रीजर आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। द वाटर हैज चेंज इन टू आइस, पानी किस में बन गया होगा, आइस बन गया होगा। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर फ्रॉम लेक्स रिवर्स सीज पॉन्ड्स एंड ओशन गेट्स हीटेड बाय द सन लाइट एंड एवेपोरेट्स, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लेक रिवर सी पॉन्ड इन सब में होने वाला पानी गर्म होता है और उड़ जाता है ऊपर। इट बिकम्स वाटर वेपर, वापस पॉन्ड है, पॉन्ड में से पानी ऊपर उड़ जाएगा, उड़ के ऊपर जाके क्या ठंडा होगा तो क्लाउड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लाउड। बहुत जब क्लाउड पूरा भर जाएगा, हैवी होगा, तो नीचे फिर रेन की फॉर्म में वापस आ जाएगा। इसे ही वाटर साइकिल कहते हैं, पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाने में किस फॉर्म में जाता है, वेपर, फिर वेपर ऊपर जाके क्या बन जाती है, क्लाउड, क्लाउड ठंडा होके क्या बन जाती है, बारिश। तो यही लिखा है, द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेस हाई इनटू द स्काई, वाटर वेपर जो है एयर से मिल जाती है और स्काई में ऊपर उठ जाती है। वाटर वेपर कंडेंसेस इन कूल रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर ठंडी जगह जाके कंडेंस मतलब इकट्ठी हो जाती है। एंड टर्न इन टू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं। दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टू मेक क्लाउड्स, ये ड्रॉपलेट छोटी छोटी बूंदें मिलके क्या बना लेती हैं, बादल। व्हेन द क्लाउड्स बिकम बिग, जब बादल बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, द वाटर फॉल्स डाउन एज रेन, नीचे पानी गिरता है बारिश की तरह। दिस रेन वाटर फिल्स अप द लेक्स, इसी पानी से लेक रिवर सी पॉन्ड ओशन सब भर जाते हैं। एज द सन शाइन, जब सूरज चमकता है, एवोपरेशन टेक्स प्लेस, पानी उड़ जाता है दोबारा। इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, यही वाटर साइकिल है।